बस्ती में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद बस्ती पहुंचे। उन्होंने बस्ती के लिए कई बड़ी सड़कों और सेतु की घोषणा की, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने कार्यक्रम से मिशन 2024 का शंखनाद करते हुए कहा कि जिस तरह से जनता ने 2014 से 2019 में बीजेपी पर वोटों की बरसात की, अब सरकार जनता पर योजनाओं की बरसात कर रही है। मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के आशीर्वाद से 2024 में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। जो विरोधी होंगे धूल में उड़ जाएंगे। ये समय है आपसी मतभेदों और व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश को आगे ले जाने का, जिसके लिए हम सबको पीएम मोदी जी और सीएम योगी जी के हाथों को मजबूत करना होगा। अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, बहुत से लोग साए बेटियां पक्षी की तरह आएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे और भावनाएं भड़काने, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री ने सर्वसम्मति से पास कराया, एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा। आने वाले दिनों में महिलाओं को महिला आरक्षण बिल का बड़ा लाभ मिलेगा। आज हमारा बस्ती जनपद आने का सौभाग्य मिला है। माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी, माननीय विधायक अजय सिंह जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी जी, सभी के साथ यहाँ विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। और वह सौभाग्य इस बात का है कि बस्ती जनपद खास महत्व रखता है प्रदेश सरकार की परियोजनाओं में, और यहाँ के जो जो मांगे माननीय सांसद जी और जनप्रतिनिधि ने की हैं, उसके लिए लोक निर्माण विभाग प्रयास कर रहा है कि सभी सड़कें जो चौड़ीकरण की ज़रूरत है, और जहाँ सेतु हैं और जितनी भी सड़कें भारी वर्षा के कारण जिनमें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके मरम्मत का कार्य रात दिन लग के लोक निर्माण विभाग कराएगा। और जहाँ तक आपने बात कही है मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, ये योगी सरकार हो चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो, वो नियम कानून और उस पर विश्वास रखती है। जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।